हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सिकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो जब भी हम ये चीज़ें करते हैं, इन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वो थ्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एक ट्रिक की वीडियो मैंने बनाई है, वो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत इजी वे में आप वो तीनों आइडेंटिटीज़ लर्न कर सकते हैं। तो मैं वो आइडेंटिटीज़ अभी के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ। तो फर्स्ट वन है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। सेकेंड आइडेंटिटी है आपके पास टैन स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसिकेंड स्क्वायर ए। ये थ्री आइडेंटिटीज़ हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। अब हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट, साइन ए है, सिकेंट ए है, टैन ए है, इनको हमने कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो सबसे पहले मुझे इतना पता है कि जो टैन ए है वो सीधा रेसिप्रोकल होता है कॉट ए का। तो मेरे पास ये काम यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। पहला कि टैन ए को मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ वन बाय कॉट ए। तो मैंने टैन ए को कॉट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब सेकेंड वन है मेरे पास जैसे कि सिकेंट ए। अब यहाँ से देखो, टैन और सिकेंट में एक रिलेशन है एक आइडेंटिटी में, तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टैन स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर ए। तो टैन स्क्वायर ए क्या है, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे वन बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर ए। अब इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम एक तरह से थोड़ा सा और एक्सप्रेस करके एलसीएम लेकर सॉल्व करके लिखेंगे इसको। जैसे मैंने इसका एलसीएम ले लिया, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, रूट में आ जाएगी ये टर्म। तो आपने सिकेंट ए भी एक्सप्रेस कर लिया कॉट में। अब आपके पास बचता है थर्ड, दैट इज साइन ए। तो अब आपको कन्वर्ट करना है साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब इन तीनों आइडेंटिटीज़ में से देखते हैं कि कॉट और साइन का कहाँ से रिलेशन निकल सकता है। तो सबसे पहले वाली आइडेंटिटी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, सेकेंड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। थर्ड वाली में देखो कि वन प्लस कॉट, कॉट तो है, कॉसिकेंट स्क्वायर है। अब हमें ये भी पता है जो कॉसिकेंट होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्या है, कॉसिकेंट स्क्वायर, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, हम इसको लिख सकते हैं वन बाय साइन स्क्वायर ए। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन यहाँ पे स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। अब मैं रूट अगर लगाती हूँ तो वन अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन का रूट वन, तो ये रूट सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले टर्म पे आएगा। तो आपने टैन ए को कन्वर्ट कर लिया कॉट ए में, सिकेंट ए को भी कन्वर्ट कर लिया कॉट ए में, कैसे, सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करके, और साइन ए को भी कन्वर्ट कर लिया कॉट में, कैसे, थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करके। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए और बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।